स्टार्प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड ले रही है। अभिनव अक्षरा को प्रपोज कर देगा और फिर ये दोनों एक रोमांटिक डिनर डेट के लिए अबीर के साथ बाहर जाएंगे। अक्षरा को ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो इतने दिन से परेशान है कि अभिनव नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर रहे, इसलिए अभिनव ये कदम उठाएगा। तीनों अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे लेकिन फिर अचानक ही अबीर लापता हो जाएगा। इसी जगह से अक्षरा उसे गाड़ी में ढूंढने आएगी तो वो देखेगी कि अबीर वहाँ नहीं है, अबीर किडनैप हो जाएगा। इस बात से अभिनव अक्षरा दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। नन्ना सा अबीर इन दोनों की दुनिया है, इन दोनों की जान है। इसी बात से परेशान होकर अक्षरा सीधा उदयपुर फोन लगा देगी और वहाँ अभिमन्यु जैसे ही फोन उठाएगा उसे नन्ने अबीर के बारे में पता चलेगा। उसे पता चलेगा कि नन्ना अबीर किडनैप हो चुका है और फिर अभिमन्यु की असली तलाश शुरू हो जाएगी। सीरियल की बात करें तो सीरियल में अभिनव को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, उसे जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उस पर एक गलत आरोप लगा है, ड्रग सप्लाई करने का। अपने अभिनव को जेल में देखकर अक्षरा बहुत भड़क जाती है और पुलिस से कहती है ये इनोसेंट है और मैं इन्हें इनोसेंट प्रूव करूंगी। वो घर आकर अभिनव की वो डायरी ढूंढती है जिसमें अभिनव सारे कस्टमर्स के नंबर लिखता है क्योंकि ये सब भी एक कस्टमर की वजह से ही हुआ है। एक कस्टमर ने ड्रग्स का पैकेट अभिनव की गाड़ी में छोड़ दिया है और इसी के लिए अभिनव को पुलिस पकड़ ले गई है। वहाँ बिल्लास के घर में अलग ही हड़कंप बची है। पार्थ को शेफाली को मारते हुए अभिमन्यु ने देख लिया है और अभिमन्यु से ये बिल्कुल देखा नहीं गया। पार्थ और अभिनव के बीच में पहले तो खुद बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई, उसके बाद अभिमन्यु पार्थ को घसीटते हुए सभी के सामने लेकर आया ताकि वो सबके सामने अपना जुर्म कबूल ले। लेकिन यहाँ पर बाजी उल्टी हो गई क्योंकि शेफाली ने ही खुद सबके सामने कह दिया कि ये सब गलत है। सभी घर वाले शेफाली से कहते भी हैं अगर ये बात सच है तो तुम खुल के बता दो, लेकिन शेफाली मना कर देती है। अभिमन्यु भी शेफाली से कहता है भाभी आप किसी से मत घबराइए, लेकिन शेफाली अपनी बात पर अटल रहती है। शिवांश की वजह से शेफाली अब तक चुप है और आगे भी चुप ही रहेगी। इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।